बिहार में कोरोना के संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है और अब 1% के आसपास आकर वो पहुंच गई है। आपको बता दें कि राज्य में गुरुवार को 1106 नए कोरोना के संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 28 संक्रमितों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में राज्य में 2238 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर वापस चले गए हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.64% पर पहुंच गई है। वहीं अगर बात राजधानी पटना की करें तो यहां से अब तक सबसे अधिक 164 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 8 जिलों में 10 से कम नए मरीज मिले हैं। अरवल, बांका, नालंदा से 8-8 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि बक्सर और कैमूर से 7-7, जहानाबाद, लखीसराय से 5-5 नए मरीज मिले हैं, जबकि जमुई में 2 नए मरीजों की पहचान की गई है। वहीं 29 जिलों में 100 से कम संक्रमितों की पहचान हुई है, जिसमें अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, इसके अलावा भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, इसके अलावा मधेपुरा, मधुबनी, इसके साथ साथ अगर बात करें मुंगेर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा की अगर बात कर ले तो यहां से भी 100 से कम नए मरीज मिले हैं, जबकि शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण से 100 से कम नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, स्थितियां ये हैं कि अब कोरोना का संक्रमण लगभग खत्म होने की कगार पर कहा जा सकता है, सिर्फ 1% संक्रमित मरीज हैं, या यूं कह ले कि वो मिल रहा है। संक्रमण का जो दर है वो 1% से थोड़ा ही ज्यादा है, 1.01% पर है। नहीं, बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से संक्रमण दर लगातार कम हो रहा है और ये हम सबके लिए एक बेहतर खबर है, और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि बिहार आहिस्ता आहिस्ता ही सही अब कोरोना पर विजय की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो 1% या 2% का जो संक्रमण दर जो बताया जा रहा है, उस पर भी हमें विजय प्राप्त करने की जरूरत है। थोड़ी सी और सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है या कोरोना गाइडलाइन जो जारी किया गया है, उसे हम लोग अगर फॉलो करें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम इस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने लगातार कहा है कि हम आगे भी काम करते रहेंगे, अगली अगर कोई भी लहर आती है तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है, और तैयारी अगर ग्राउंड लेवल पे हो तो ये बहुत बेहतर होगा। और निश्चित रूप से अगर थर्ड फेज आता है, भगवान से प्रार्थना हम सबकी है कि तीसरी लहर हिंदुस्तान में देखने को ना मिले। साथ ही साथ अगर ऐसा होता है और उसको लेकर अगर सरकार प्लानिंग कर रही है और तैयारी अगर कर रही है तो ये हम सबके लिए सुखद है, बेहतर है, और निश्चित रूप से एक बेहतर सरकार के लिए एक सबसे अच्छी पहल ये होती है कि आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उनके राज्य में या उनके देश में, तो उसको लेकर वो तैयारी करे और प्लानिंग करे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मॉनिटरिंग कर स्थितियां हैं। राजेश, जिस तरीके से स्थितियां हैं, अभी अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जब तीसरी लहर की बात सामने आ रही है और सरकार कह रही है कि नहीं, हम तैयारियां कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी राहत देने वाली खबर जरूर है, क्योंकि दूसरी लहर या पहली लहर को लेकर कोई इस तरीके से तैयारियां थी नहीं, और दूसरी लहर में तो हमने देखा कि स्थितियां बद से बदतर हो गई और उसके बाद तैयारियों पर ध्यान दिया गया। नहीं, देखिए, तैयारी जो सरकार कह रही है कि तैयारी हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तैयारी होनी चाहिए और हर लेवल पे तैयारी होनी चाहिए कि हम कैसे इससे निपटेंगे। लेकिन एक थोड़ी सी जो शंका जाहिर होती है वो ये है वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को लेकर। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है और कई जांच दल को रवाना किया गया है, जांच टीका एक्सप्रेस को रवाना किया गया है, और उसमें प्रगति हो रही है। लेकिन जो प्रगति की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है। इसको लेकर अगर देखा जाए, जिस रफ्तार से हम काम कर रहे हैं, अगर उस रफ्तार पे ही अगर कंटिन्यू अगर काम करते रहे तो तकरीबन ये पूरा साल निकल जाएगा और तकरीबन मार्च अप्रैल के आसपास में हम टीका दिलवा पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीन की आपूर्ति अगर बिहार को होगी तब जाकर हम इस मामले में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन जो वैक्सीन की आपूर्ति केंद्र के द्वारा की जा रही है वो फेज बाई फेज में की जा रही है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते का डोज दिया जा रहा है, उसके बाद फिर 2-4 दिन 10 दिन का गैप हो जा रहा है। तो ये गैप करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि बड़े पैमाने पर, देखिए बिहार एक बड़ी घनी आबादी वाला प्रदेश है और बिहार के साथ कई प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती रहती है। अभी बाढ़ आने की समस्या जो है, बहुत जल्द आपको हम सब खबर दिखाएंगे और सब
जान जाएंगे कि बिहार में बाढ़ की स्थिति है और एक बड़ी त्रासदी और बड़ी आपदा होती है। तो इन तमाम स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को चाहिए कि बड़े पैमाने पर यहाँ वैक्सीन उपलब्ध कराए और साथ ही साथ राज्य सरकार की एक बड़ी जवाबदेही है कि टेस्टिंग बड़े पैमाने पर कराए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कराए और लोगों को जागरूक करें, लोगों को अवेयर करें और इसके लिए थोड़ी सी अगर सख्ती करने की जरूरत है तो सख्ती करें। अभी आपने जो सवाल पूछा कि अभी जो बिल्कुल राजेश, एक सवाल ये उठता है कि जिन जिलों में 10 से कम अब संख्या मिल रही है नए संक्रमितों की, अर्थात वहां पर कोरोना की स्थिति बेहद मतलब खराब है और लोग वहां पर बेहद स्थिति जो संभालने में रहे हैं वो लोगों के बहुत बड़ी इसमें भूमिका रही है, लोगों ने इसको मिलजुल कर संभाला है, कोरोना को हराया है यहां पर, क्या इन जिलों में और बेहतर कुछ करने की जरूरत है? अब क्या प्लान इन जिलों को करना चाहिए ताकि यहां पर संक्रमण नहीं बढ़े, इस पर बेहद जरूरी है ध्यान देना। और दूसरा वो कि वो जिले जहां 100 से कम संख्या में मरीज मिल रहे हैं उनको और क्या करना चाहिए ताकि और संक्रमण की दर वहां पर घटे। राजेश देखिए, दो एक अहम पहलू है, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है और ये दो अहम पहलू, उस पर सरकार को भी काम करने की जरूरत है, लोगों को भी समझने की जरूरत है। जहां संक्रमण दर काफी कम है या जो मरीज 10 से की संख्या में मिल रहे हैं या 20 से नीचे की संख्या में अगर मरीज मिल रहे हैं तो बिल्कुल, तो राजेश बिल्कुल, तो जिस तरीके से स्थितियां हैं और उस पर राजेश वैक्सीनेशन अगर हम ज्यादा बिल्कुल राजेश बताइए नहीं, मेरा कहना यह है कि दो अहम बातें हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिहार सरकार या जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो वैक्सीनेशन हम बड़े पैमाने पर करवाएं, साथ ही साथ टेस्टिंग बड़े पैमाने पर करवाएं और लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। आपका एक बहुत अच्छा सवाल था कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन अभी जैसे ही मार्केट खुल रहा है आप देख रहे हैं सवेरे से लेकर 2 बजे की स्थिति जो है एकदम, आप पूरी तरह से आप कह सकते हैं क्राउड जो है एकदम रोड पे है, सड़क पे है, बाजार में है, तो ये कहीं ना कहीं कोरोना विस्फोट की ओर हमें ले जा सकता है। तो वैसे स्थिति में हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। हम अभी उस फेज में नहीं है कि हम अचानक सड़क से बाहर घर से बाहर आ जाएं और भीड़ इकट्ठा कर लें, तो उससे बचने की जरूरत है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो कम लोग निकलें, अनिवार्य काम है तभी घर से निकले, क्योंकि अभी भी हम पूरी तरह से सेफ जोन में नहीं है। दूसरा एक और जो अहम बातें हैं वो ये है कि जो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो अस्पताल स्तर हो, अस्पताल के स्तर पर जो ग्रामीण अस्पताल हैं या अनुमंडल स्तर के अस्पताल है, जिला स्तर के जो अस्पताल हैं, क्योंकि जिला में वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएंगे, अनुमंडल स्तर पे हो जाएगा और सदर अस्पताल जिला स्तर पे हो जाएगा, तो ये तीन जो अहम कड़ी है इसको मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में कब कौन सी बीमारी आ जाए, कौन सी समस्या आ जाए, तो बेहतर ये होगा कि जिला स्तर पर और अनुमंडल और प्राथमिक स्तर पर जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो ढांचा है जो पूरी तरह से चरबराई हुई है, आप कह सकते हैं कि ना के बराबर है, तो उसे हम दुरुस्त कर लें। अगर हम दुरुस्त कर लेंगे तो जो अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है जो हम लोगों ने देखा सेकंड फेज में, वो अफरा तफरी की स्थिति नहीं बनेगी। कई ऐसी बातें हैं जिसको हम अनुमंडल या जिला स्तर के अस्पताल में हम ठीक कर सकते हैं। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जिस पर अगर सरकार बेहतर तरीके से काम करे तो आगे आने वाले अगर खुदा न खास्ते अगर तीसरी लहर आती है तो हम बहुत हद तक उस पर कामयाबी पा सकते हैं और ये जिला स्तर पर ही हम निपटा लेंगे, यहाँ पीएमसीएच या एनएमसीएच आने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अब जरा अगली खबर भी बताते हैं और उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे। ब्लैक फंगस को लेकर अगली खबर हमारे सामने है, बता दें आपको कि ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी राहत की खबर यह है कि अस्पतालों में ओपीडी में ब्लैक फंगस के पीड़ित मरीजों की संख्या में पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह कमी आई है, जबकि अस्पताल में एडमिट मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि पटना में गुरुवार को 17 नए ब्लैक फंगस के मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, इनमें से 7 जो है वो IGIMS में है जबकि 7 जो है एम्स में कराए गए हैं और 3 मरीजों को PMCH में भर्ती कराया गया है। और वहीं IGIMS की बात करें तो यहां 2 मरीजों के इलाज के दौरान मौत भी हुई है। तो स्थिति यह है, ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ते जा रहा है। बिहार में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। राजेश के पास चलेंगे एक बार फिर से। राजेश, स्थिति यह है कि ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ते जा रहा है, एक तरफ कोरोना का खतरा कम हो रहा है लेकिन ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए,
नहीं, ब्लैक फंगस को लेकर जो बिहार सरकार ने महामारी घोषित की है, लेकिन वो कागज पे ज्यादा दिख रहा है अविनाश। अगर ग्राउंड लेवल पे अगर काम की बात कर ले जाए तो ब्लैक फंगस को लेकर ग्राउंड लेवल पर काम कम है और उसको लेकर जागरूकता भी आप देखेंगे, कोरोना को लेकर तो जागरूकता है, लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर ना तो मीडिया में इसका प्रचार प्रसार है, ना प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ना सोशल मीडिया में। तो इसको लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो हमने अभी कहा कि आप जिला स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर कम से कम ये व्यवस्था करें ताकि वहां अगर कोई मरीज बधान और उसका बिल्कुल। तो स्थिति यह है कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है और इस पर काम करने की और जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश जो अधिक जानकारी दे रहे थे।